पूरे देश के साथ भागलपुर में ही 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के ऐतिहासिक सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में परमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, डीआईजी विवेकानंद, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों ने झंडे को सलामी दी। इस दौरान बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की झांकी निकाली गई। परेड में बिहार बटालियन के महिला और पुरुष जवान के 14 प्लाटून ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कई शिक्षकों को बेहतर कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। परेड का निरीक्षण करते हुए उनके साथ कमांडर हैं, वो पूरी तरह से विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाएं के संबंध में है, जहाँ पर छोटी छोटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुख्यमंत्री। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने अंतर जिला लूट और चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए हथियार लूट और चोरी किए गए सामान के साथ 5 अपराधियों को धर दबोचा। भागलपुर की सिटी एसपी अमित रंजन और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि हाल के दिनों में भागलपुर जिले में चोरी और लूट की घटना लगातार घटित हो रही थी, जिसके बाद एसएसपी ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया था। विशेष टीम ने सबौर में हुई चोरी मामले की छानबीन तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पाया कि हाल फिलहाल में हुई चोरी की कई घटनाओं में समानता है। चोर उस घर को अपना निशाना बना रहे थे जिसमें मकान खाली रह रहा था। इसके लिए लाइनर का काम चोरों के द्वारा स्थानीय ग्रामीण से करवाया जा रहा था। पुलिस ने सबसे पहले चोर गिरोह के सरगना कुंदन यादव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद इकबालिया बयान पर घटना में शामिल 4 और चोरों को 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी किए गए बंदूक के साथ 12 कारतूस, चांदी का 2 पायल, ब्लैकबेरी कंपनी का जैकेट, 4 मोबाइल, LCD TV टूटा हुआ, चोरी की पैसे से खरीदा गया 2 मोटरसाइकिल और 31,500 नगद के साथ पुलिस ने सभी चोरों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए कुंदन यादव, सोनू कुमार, बलराम यादव, विवेकानंद यादव और विकास यादव के विरुद्ध भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं और यह सभी हिस्ट्री सीटर है। पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि विशेष टीम ने अच्छा कार्य किया है, इसको लेकर सीनियर SP के द्वारा पुरस्कार दिए जाने की अनुशंसा भी की जाएगी। एवं लूट एवं चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो शहर में कुछ दिनों से गृह बेदन और चोरी की घटनाएं घट रही थी, जिसके लिए एक स्पेशल टीम SSP सर द्वारा बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व जो DSP लॉ एंड ऑर्डर गौरव कर रहे थे, और इस स्पेशल टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर जो इंटेल के हिसाब से अनुसंधान किया और ये सबौर कांड संख्या 684-23 इसमें ये सब लोग लगे और इसमें एक घर में चोरी हुई थी, इसमें 2 लाख के ऊपर का सामान चोरी किया गया था। तो इसी में ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसी दौरान उसमें कुछ तथ्य आए जिसके चलते 3 और कांडों का खुलासा हुआ। इसमें सबौर थाना का एक कांड था, ग्रुप ने किए हैं, फिर हम लोग इनसे पूछताछ किए तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बांका जिला में भी सक्रिय हैं, जो नौगछिया में भी सक्रिय थे और इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी भागलपुर में पाया गया है। तो ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनका नाम है कुंदन यादव, सोनू कुमार, बलराम यादव, विवेकानंद यादव और विकास यादव। ये सभी पहले से ही आरोप पत्र में
अपराध करने का शैली था वो ये था कि ये लोग पता करते रहते थे कि कौन सा घर खाली रहेगा, और एक अच्छा समय देख के ये लोग रात रात बिरात उसमें घुस जाते थे और गृह भेदन करते थे और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है हमें, और इससे निश्चित ही आगे जो गृह भेदन की घटनाओं में कमी आएगी, और इनके जो और सदस्य हैं उनको ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और आगे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी गिरफ्तारी इसमें की जाएंगी। जो इसमें बरामदगी का सामान है उसमें 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली और 12 जो बोर बंदूक का गोली होता है 12 पीस वो बरामद हुआ है। चांदी का जो पायल था जो घर से लिया गया था वो चोरी किया गया था वो बरामद हुआ है। ब्लैकबेरी कंपनी का जैकेट, 1 जोड़ा जूता, 1 पिट्ठू बैग, 4 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जो वहाँ से कैश इन्होंने चुराया था उससे 2 मोटरसाइकिल ली गई खरीदी गई थी वो भी बरामद की गई है। 1 टूटा हुआ LCD टीवी जो इन्होंने कुएं से बरामद किया, उस LCD टीवी को कुएं में फेंक दिया था क्योंकि वो टूट गया था जब ये ले जा रहे थे। तो और 31,500 रुपये इनके पास से बरामद किए गए। और जो 2 कुएं में जब ये लोग उससे निकाल रहे थे सामान तो उसमें 2 ID कार्ड भी प्राप्त हुए। उसी ID कार्ड से हमें पता चला कि लोधीपुर में भी इन्होंने एक कांड किया हुआ है। उस ID कार्ड पर जो नंबर था उसको कॉल किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ हमारे घर भी चोरी हुई थी। तो उससे हम लोग के 4 केस उद्भेदित हुए हैं अभी, और हम लोग और भी कांडों का पता कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कौन से कांड। जो हम लोग का उद्देश्य था भागलपुर पुलिस का, हम लोग जो है केस नंबर 684-23 पे हम लोग काम कर रहे थे जो कि सबौर में घटित हुआ था, 29/12/23 को ये घटित हुआ था, और तकरीबन मतलब 20 लाख की इसमें गृहभेदन हुआ था इसमें। और जो अपराध शैली था, ये लोग क्या करते थे, पूरे गाँव में घूमते थे और वहाँ के गांव का जो लोकल आदमी था वो लाइनर का काम करता था, और वो इस गैंग को बताता था कि कौन सा घर जो है वहाँ पे अल्प काल के लिए थोड़े समय के लिए मकान मालिक जो है उस एरिया से वहाँ पे नहीं है। तो अब जब ये इस केस पे जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया तो पता चला कि कुछ लोग जो हैं संदिग्ध हैं, तो उन्हें उठाया गया और सबसे पहले कुंदन यादव की गिरफ्तारी हुई। कुंदन यादव का एक बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है जिसमें गृहभेदन, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट, इसमें ये जो है नामजद रहे हैं, और बांका और नौगछिया में भी सक्रिय है। तो कालीस्थान के पास जो कि जो लोधीपुर थाना है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर पे है, और विकास यादव जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार किया गया है उसके घर के पास एक तालाब है। तो बहुत सारी चीज़ें जब ये चोरी करते थे, गृह भेदन करते थे, वहाँ पे जो चीज़ें ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, मार्केट में नहीं बेच पाते थे, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये लोग जो है कुएं के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको तोड़ के। और इसी क्रम में तकरीबन 8 घंटे तक इस टीम द्वारा 8 घंटे तक पानी निकाला गया तालाब से, और उसमें बहुत सारे आई कार्ड, फोटोज, पासबुक, ये सब जो है बरामद हुआ, और इसके थ्रू बहुत सारे केस जो है डिटेक्शन होना स्टार्ट हुआ। तो एक पूरा एक चेन ऑफ जो केसेस था इससे खुलता चला गया। उसके साथ साथ और सब चीज़ें भी बरामद हुई। उससे ये पता चला कि सबौर कांड संख्या 633-23 जो कि एक कबाड़ दुकान में हुआ था सबौर में, उसमें भी इस गैंग की संलिप्तता है। उसके साथ साथ कजरेली में एक चिंतई का कांड हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो इस टीम ने पहली गिरफ्तारी जो कुंदन यादव की हुई गिरफ्तारी की गई है, और ये सारे जो हैं एक साथ बैठ के योजना बना रहे थे अगले गृहभेदन के लिए, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सब अपराध कर्मी को पकड़ा, और इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस टीम में शामिल थे विवेक कुमार जायसवाल, कुवनी सा थानाध्यक्ष सबौर, कुवनी मुरलीधर सा DIU प्रभारी भागलपुर, कुवनी मिथिलेश चौधरी थानाध्यक्ष कजरैली, कुवनी धर्मेंद्र कुमार सबौर थाना, कुवनी राजू पांडे लोधीपुर थाना, परिक्षवान कुवनी प्रेमचंद लोधीपुर थाना, परिक्षवान कुवनी सतीश कुमार सबौर थाना, सिपाही बच्चन कुमार, प्रकाश कुमार दोनों DIU शाखा एवं CIT टीम, और जो अंगरक्षक थे पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के, इन सब ने इस पे इस कांड में बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनको हम लोग रिवॉर्ड के लिए अनुशंसा भी कर रहे हैं CTSP सर के थ्रू, और इस टीम को जो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। अपने निगम परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
राज रतन नाथनगर थाना अध्यक्ष की तरफ से सभी जिलेवासियों, बिहार वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नमस्कार, मैं राजकुमार रंजन पहल कंपनी की तरफ से भागलपुर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे संविधान दिवस भी कहा जाता है और ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि देश के कानून का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई अन्य। सड़क सुरक्षा में हमारी सोसाइटी लगातार कार्य करती है, लोगों को जागरूक करती है। आपसे निवेदन है कि यातायात के सारे नियमों को पालन करें, ओवर स्पीड, ओवरटेक करना, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता एवं चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही देश के लिए महत्वपूर्ण है, आप सावधानी रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय कुमार राय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सर्कुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के सर मुखिया सर जिला उपाध्यक्ष भागलपुर की ओर से सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को जिला जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये कामना भी करता हूं कि पूरे देश में एकता और अखंडता के साथ पूरा संपूर्ण देशवासी रहे। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी जिला जनता दल यू भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल की प्राचार्य हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों को, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, पूरे भागलपुर वासियों को एवं देशवासियों को 26 जनवरी के ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं पंकज कुमार गुप्ता निगम पार्षद वार्ड संख्या 50 की सभी देवमयी जनता और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र की सभी देवमयी जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर नगर निगम परिसर में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर मेयर ने अपने नगर निगम की योजना और आगामी योजना को गिनाया, साथ ही नगर निगम कर्मचारियों को सम्मान देकर सम्मानित भी किया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम में नगर निगम के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, पंकज गुप्ता, संजय सिन्हा सहित कई पार्षद और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि धन्यवाद।
75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देश के विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं भागलपुर में भी 75वां गणतंत्र दिवस समारोह विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और झंडे को सलामी दी। वहीं DIG कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, SDO कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में भी राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। पर हम आपके मीडिया बंधु की तरफ से पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई कर देते हैं और पूरे भागलपुर वासियों को भी देख रहे हैं जिस तरह से उमंग है लोगों में। और आपको बता दें ये 1950 में जो संविधान बचा जिसको आज केंद्र सरकार उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आज निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और आज के दिन 26 जनवरी है तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं मोदी की गारंटी है 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, 14 में उन्होंने कहा एक भी रोजगार किसी बच्चे बच्चियों को नहीं मिला। भागलपुर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी में काफी खुशी का माहौल देखा गया और सभी लोग अपने अपने तरीके से गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते नजर आए। इस बीच में कुछ बाइकर्स सड़कों पर अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए फर्राटे भरते नजर आए और सभी भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा भी लगाते दिखे। जोगसर थाना क्षेत्र के मलवाड़ी पाठशाला के समीप पुलिस कॉलोनी के कमिश्नरी में पदस्थापित नाजीर नागेंद्र यादव के सरकारी आवास में आग लग गई। आग लगने से सोफा, दीवान, पलंग, कपड़े और घर में रखे महत्वपूर्ण कागजात पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही CTDSP अजय कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मी चोटिल हो गए। कुछ क्या भी मारवाड़ी पाठशाला के सामने पुलिस कॉलोनी है, उसमें NP यादव जो कमिश्नरी में नाजिर है उनके आवास में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग घटनास्थल से फील्ड से ही लौट रहे थे, हम लोग गुजर ही रहते थे, हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी है। हम लोग तुरंत आए और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था जैसे किसी शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। पूरे आग पे फायर ब्रिगेड की मदद से और यहाँ स्थानीय जो भी लोग हैं, जो भी पुलिस ऑफिसर हैं, उनके मदद से इस पर काबू पाई गई है और घटनास्थल पे कोतवाली थाना और यहाँ पे जितने पुलिस ऑफिसर हैं सभी मदद कर रहे हैं, काबू पा लिया गया है। काफ़ी क्षति हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।